तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को। सुनाई कैसे पड़ता है? हम जो बोलते हैं वो किसी के कानों तक जब पहुंचता है वो साउंड वाइब्रेशन, तो उसके ब्रेन तक कैसे वो सिग्नल पहुंचते हैं हमें उसके बारे में अब बात करनी है। हालांकि इसमें भी दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग का जो पहला पार्ट होगा उसी तक हम बात करेंगे। हम इनर ईयर तक बात करेंगे, आगे ऑडिटरी पाथवे जो होता है वो आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रेन में आगे सिग्नल पहुंचता है और वो टेम्पोरल लोब के एक खास जो ऑडिटरी, जो प्राइमरी ऑडिटरी सेंटर होता है वहां तक कैसे पहुंचेगा, उसको ब्रेन का जो पाथवे होगा उसको आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक लेवल पर एक रफ आइडिया देते हुए आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा कि किस तरीके से हम सुन पाते हैं और क्या इसका बेसिक फिजियोलॉजी होता होगा। तो जब हम बात करते हैं तो यहां तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहां तक डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है जो काफी कॉम्प्लेक्स था, मैंने बताया था इसमें दो पार्ट छुपा हुआ है इनर ईयर में, जिसमें एक हियरिंग पार्ट है और दूसरा बैलेंसिंग पार्ट है। तो बैलेंसिंग पार्ट को मैंने बताया था लास्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे हियरिंग पार्ट पर। यहीं पर आपको समझना होगा जो मिडिल ईयर है यहां पर इंफेक्शन होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। आप यहां पर देखेंगे एक खास, यहां यूस्टैकियन ट्यूब के बारे में आप देख रहे होंगे, ये यूस्टैकियन ट्यूब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक्चुअल में साउंड वाइब्रेशंस जब इधर से गुजरती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई बम का धमाका अगर हो यहाँ पर, कोई एक्सप्लोजन हो, तो अचानक बहुत हाई मीन्स एनर्जी का कोई साउंड वेव्स यहाँ पर पहुँचेंगी, तो हो सकता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर दें। तो उसको बैलेंस करने के लिए होता क्या है, जो ही कोई बम की आवाज़ सुनाई देती है, कोई एक्सप्लोजन होता है, तुरंत हमारे मुंह से आवाज आती है आ, तो होता क्या है, होता यह है कि जब आ की आवाज आती है तो मुंह के रास्ते से भी उस जो साउंड की एनर्जी है वो मुंह के रास्ते भी एंटर करती है और कान के रास्ते भी एंटर करती है। तो होता क्या है कि ये यूस्टैकियन ट्यूब के द्वारा, आप देखिए यहाँ पे यूस्टैकियन ट्यूब के द्वारा पहुंचने वाला जो जो साउंड एनर्जी होगी वो इधर और बाहर से जो पहुंचने वाली एनर्जी होगी एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में मींस मेंटेन कर देगी, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं यूस्टैकियन ट्यूब ये माउथ की जो कैविटी है उसके साथ एक मिडिल ईयर में एक कनेक्शन बनाया जाता है। यहां पर आपको समझना होगा कि यहीं से कई बार इन्फेक्शन मिडिल ईयर तक पहुंचता है, और खास तौर पे इंडिया जैसे कंडीशंस में जहां पर पुअर मींस लिविंग स्टैंडर्ड है, हाइजीन उतना मेंटेन नहीं किया जाता है, तो होता क्या है कि माउथ का कोई इन्फेक्शन इस रास्ते ट्रेवल करके मिडिल ईयर को डैमेज कर सकता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, CSOM करके कई बीमारियां होती हैं वो सारी इसी वजह से होती हैं, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं हम रखते हैं, पुअर लाइफ स्टैंडर्ड इंडियंस की होती है, इसलिए मिडिल ईयर में कई सारे इन्फेक्शन की गुंजाइश होती है। बात करते हैं यहां पर हम इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर का जब हम बात करते हैं तो ये टिम्पैनिक बोन के भीतर एक अपने आप में बड़ा ही अलग सा एक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा उसमें एक रैप राउंड राउंड सा एनसीईआरटी में दिया हुआ जो फिगर है जिसको कॉकलिया कहते हैं, मैं उसी को यहां पर कट करके सिंप्लीफाइड बनाने की कोशिश किया हूं। एक्चुअल में क्या होता है, टिम्पैनिक जो बोन है उसके भीतर एक्चुअल में कैविटी है, और आपको कुछ ऐसा समझना होगा कि जो कैविटी है ना, वो जो भीतर कैविटी है वो इस तरीके की है कि बोन ऊपर से एकदम बोन का सीधा स्मूथ सरफेस दिखता है, लेकिन भीतर एक कैविटी है, कैविटी के भीतर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप देखेंगे अंदर से जो बोन का जो पार्ट है ना वो भी कैविटी के स्ट्रक्चर के जैसा ही है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऊपर से बोन देखने में ऐसा लगेगा इनर ईयर का टिम्पैनिक जो बोन है, लेकिन इनर ईयर में जो टिम्पैनिक बोन है एसोसिएटेड वो ऊपर से स्मूथ देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि अंदर का स्ट्रक्चर इस तरीके से है तो आप देखेंगे कि भीतरी जो सरफेस होगा टिम्पैनिक बोन का वो भी इसी तरीके से कर्व्ड होता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि यहां पर इंटरनली जब आप ऊपर से देखते हैं सब कुछ स्मूथ नजर आता है, लेकिन भीतर जब हम इसको कट करके देखते हैं, किसी भी पार्ट को जब हम कट करके देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस तरीके से जब हम कट करते हैं तो पता चलता है कि भीतर के स्ट्रक्चर के जैसा ही
बोन ने अंदर शेप लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये ऐसा है तो वैसा ही ये शेप लिए हुए है, तो इसी को हम यहां पर कहते हैं कि एक बोनी कैविटी यहां पर तैयार होती है। बोनी कैविटी अंदर के स्ट्रक्चर के जैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ स्ट्रक्चर एक आप समझ सकते हैं ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अगर है तो यहाँ पर जो कैविटी तैयार हो रही है वो भी कैसे तैयार होगी आप बताइए, वो भी इसी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप की तैयार हो रही है। ऊपर इसका शेप कुछ भी हो सकता है ऊपर इसका शेप, मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से इस बात को समझाना चाहता हूँ। ऊपर से आपको भले ही क्यूब दिखे, भूल जाइए कान, लेकिन अगर ईयर के भीतर कोई बेसिक कोई इस तरीके से सिलेंड्रिकल कोई स्ट्रक्चर अगर डेवलप है, यहाँ पर बोन के भीतर खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, तो बोन के भीतर कोई सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप्ड है तो आप देखेंगे कि इसके लिए बोन भले ही स्क्वायर शेप का हो रेक्टेंगल शेप का हो लेकिन इसने क्या किया है अंदर एक कैविटी बनाई है जो कि इसी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप की होगी, जैसा ये अंदर का स्ट्रक्चर होगा वैसे यहाँ पर कैविटी होती है। तो यहां पर होता क्या है कि बोन का जो लास्ट टर्मिनल होता है जिसको यहां पर आप देखेंगे तो पेरिओस्टियम के रूप में होता है, ये जो लास्ट टर्मिनल है इसको हम कहते हैं बोनी लेबायरिंथ। इसको क्या कहते हैं बोनी लेबायरिंथ, जो मैंने आपको जो आपको समझाया है कि बाहर से कुछ भी दिखे लेकिन अंदर अगर ये कैविटी में इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर है तो अंदर कैविटी भी ऐसे ही बोन की तैयार होती है। तो जो बोन की जो आउटर मार्जिन है जो कैविटी की उसको हम कहते हैं बोनी लेबायरिंथ, जबकि अंदर जो रियल स्ट्रक्चर है, जो रियल स्ट्रक्चर है जो कोई खास फंक्शन के लिए है उसकी सबसे बाहरी मेम्ब्रेन को कहा जाता है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। क्या कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। रियल बात यह है कि ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के नीचे मीन्स खास तौर पर यहां पर कुछ ऑर्गन हो सकता है इस मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ के भीतर जो कुछ खास फंक्शन कर सकता है, और इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बोन ने यहां अपने चारों ओर एक सराउंडिंग बनाई, और इसकी जो अंदर से देखने पर एक कोटिंग भी आपको देख रहा है बोन का वैसा ही है जैसा मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ की स्ट्रक्चर का है। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड हमने इमेज बनाया। तो यहां पर आप देखिए बोनी लेबायरिंथ जो इसको कवर करेगी प्रोटेक्शन देगी, और जो इसकी अपनी खुद की लेयरिंग है वो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ कहलाती है। इस बोनी लेबायरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, अब आप एक बार मैं फिर से आपसे पूछूं इंपॉर्टेंट ऑर्गन का पार्ट कौन सा है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ जिसका आउटर कोटिंग ये है, और ये मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ क्या है ये बोन की कैविटी की कोटिंग है, यहां पर आप देख सकते हैं इसके बीच में कुछ फ्लूइड बह रहे होते हैं। आप देखेंगे मेम्ब्रेनस और बोनी के बीच में पेरी लिम्फ फ्लूइड होता है, जबकि मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ जो रियल में कोई आर्गन है उसके भीतर एंडोलिम्फ फ्लो करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी जब हम देखते हैं इनर ईयर को तो इनर ईयर वास्तव में आप देखेंगे तो कुछ जब इसको कट किया जाता है, जब इनर ईयर को कट किया जाता है तो इनर ईयर में मैंने आपको जैसा बताया वैसा ही होता है। इनर ईयर मान लीजिए इनर ईयर का पार्ट क्या था, ये कुछ इस तरीके से होता है, एक बड़ा सा आप ऐसे समझें कुछ इस तरीके का पार्ट होता है जो कि कई सारे रैपिंग किए रहता है, इस तरीके से पार्ट होता है इनर ईयर का, ठीक है, जिसको कॉकलिया कहते हैं, समझ गया। ऊपर से बोन ऐसा लगता है कि ये कई बार अपने ऊपर स्पाइरली ये अरेंज है, ठीक है। अब इसके भीतर की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं आप समझ सकते हैं मैंने आपको बताया कि इसके भीतर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो सकता है, इसके भीतर इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो सकता है, और आप ये देख रहे हैं कि ये स्पाइरली अगर ये बोन घूम करके जा रही है और इसके भीतर कोई ऑर्गन अगर होगा तो आप अंदर भी समझ सकते हैं कि जो रियल में ऑर्गन है ये तो बोन दिख रहा है जो इस तरीके से घूम रहा है, लेकिन इसके भीतर ऑर्गन जो होगा वो भी कुछ ऐसे ही घूम करके जा रहा होगा, और रियल में इसके भीतर कोई ऑर्गन जो होगा वो कुछ इस तरीके की कवरिंग लेकर के होगा, समझ रहे ना, जो अंदर का कोई जरूरी ऑर्गन होगा वो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ की कवरिंग लेकर के अंदर होगा। यानी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इसी के भीतर इसी के प्रोटेक्शन में कोई पार्ट रह रहा है जो कि इसी के शेप का है, आप ऐसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ यूं कह सकते हैं ना कि इस बोनी स्ट्रक्चर के भीतर आप देख सकते हैं कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है ये बोनी स्ट्रक्चर, यानी ब्लू वाला स्ट्रक्चर जो है, प्लीज जूम करिएगा तो ये लोग देख सकते हैं, यहां पर देखेंगे ये जो बोनी स्ट्रक्चर है ब्लू कलर वाली, इसके भीतर इसके टनल में कोई खास स्ट्रक्चर डेलिकेट स्ट्रक्चर चल रहा है, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर रियल में मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ
की कवरिंग लिए हुए होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही होता है। इसको जब हम कट करते हैं यहाँ पर, आप प्लीज़ यहाँ पर खूब अच्छे से जूम करिए, ठीक है, आप यहाँ पर खूब अच्छे से जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर का जो मैंने यहाँ मार्क दिखाया है उसके ऊपर भी देख रहे हैं आप ब्लू लाइनिंग है और उसके नीचे भी ब्लू लाइनिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे भी ब्लू लाइनिंग है और इसके ऊपर भी ब्लू लाइनिंग है। जब हम इसको कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, तो ये जब हम इसको कट करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर देखिए यही है आपका, ये है आपका, जब मैं इसको यहाँ से काटूंगा, यहाँ से कट करूँगा, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। दिखेगा बीच में रेड वाला पार्ट है, ठीक है, बीच में रेड वाला पार्ट है और ऊपर और नीचे ब्लू वाला पार्ट है। समझ पा रहे हैं आप, ये ब्लू वाला पार्ट है, बोनी पार्ट है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पार्ट है, ये ऊपर और नीचे क्या है आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा रेड वाले पार्ट को मैंने यहां दिखाया है और ऊपर और नीचे ये ब्लू वाला पार्ट है। आपको समझना होगा कि ये कुछ सैंडविच जैसी स्ट्रक्चर इसलिए बनी है क्योंकि यहां पर एक बोन लाइक मींस एक मोटा सा थिक सा पार्ट था। आप यहां पर देखेंगे जब इसको मैंने इस तरीके से बनाया और इसके भीतर अगर मैं एक कैविटी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको लगेगा एक ऊपर भी हिस्सा है इसका और एक नीचे भी हिस्सा है। समझ रहे हैं आप, इसके ऊपर भी एक हिस्सा है और इसके नीचे भी हिस्सा है, कुछ वैसा ही यहां पर नजर आ रहा है। साइड में ये पूरा डेंस बोन है, आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, साइड में पूरा का पूरा ये डेंस बोन है और डेंस बोन के भीतर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बोन के भीतर रियल जो कंसर्न जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है रेड कलर वाला। ये रेड कलर वाला जो कि मेम्ब्रेनस लेबरेंथ से घिरा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो हमारे कंसर्न का पार्ट है। चांस की बात है कि इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर बोन और इसके बीच में एक कैविटी नज़र आएगी और यहाँ पर इस जो मेम्ब्रेनस लेबरेंथ का जो रियल पार्ट है जिसके भीतर कुछ ऑर्गन हो सकते हैं उसके नीचे भी आपको बोन और इसके बीच में थोड़ी सी खाली जगह नज़र आती है। वो खाली जगह जो नज़र आती है, इस खाली जगह का अपना एक इम्पॉर्टेंस है और लेकिन इसका मेजर कंसर्न होना चाहिए। ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ से घिरा हुआ पार्ट है, इस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ से घिरे हुए पार्ट के भीतर कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो सकता है। वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ कार्टाई। आप यहाँ पर उसी पैटर्न पर देखेंगे, यहाँ पर ये है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, आप देख सकते हैं ये है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ, ये है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का पार्ट और आप यहां पर देख सकते हैं इस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के भीतर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हियरिंग के लिए जिसको ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। ये ऑर्गन ऑफ कार्टाई का पार्ट है जो कि इसके भीतर पाया जाता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये भी बोन है, नीचे भी बोन है। चांस की बात है कि यहां ऊपर भी मेम्ब्रेनस लेबरिंथ और ये जो बोनी लेबरिंथ है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये बोनी लेबरिंथ है, ये बोनी लेबरिंथ है। बोनी लेबरिंथ और इस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में जो कैविटी होती है उसको स्केला वेस्टिबुलाई कहा जाता है और नीचे का जो ये बोनी लेबरिंथ है, आप देख सकते हैं ये बोनी लेबरिंथ और इस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में जो खाली जो टनल लाइक जो जगह है, जो खाली टनल लाइक जो जगह है इसको स्केला टिम्पेनाई कहते हैं। और जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के द्वारा जो घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, जो टनल, जो रियल में टनल है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है स्केला मीडिया। अब आप देखेंगे बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में मैंने आपको बताया था यहां पर पेरिलिम्फ फ्लो करता है। क्या फ्लो करेगा, पेरिलिम्फ। तो यहां पर क्या होगा, पेरिलिम्फ होता है, ये आपको याद रखना है। यहां पर स्केला वेस्टिबुलाई में भी पेरिलिम्फ होगा, स्केला टिम्पेनाई में भी पेरिलिम्फ होगा, लेकिन यहां पर होता है एंडोलिम्फ। तो यहां पर क्या होगा, एंडोलिम्फ होगा। तो यहां पेरिलिम्फ और यहां पर एंडोलिम्फ होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं बोनी और रियल में पार्ट है ये। एक्चुअल में ये स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए मैंने यहां पर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का पार्ट बनाया। मैंने बताया कि इसके भीतर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर छुपे हुए हो सकते हैं, इसके भीतर कुछ खास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर छुपे हुए हो सकते हैं। और मैंने बताया बोनी लेबरिंथ और इसके बीच में पेरिलिम्फ होता है और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ अपने भीतर एंडोलिम्फ रखता है।
ठीक है, यही पार्ट मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं। प्लीज अब आप यहां पर आए तो आप देखेंगे ये जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का जो नाम है वो यहां पर बदलता रहता है। ऊपर के जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या रिसनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी ऊपर के मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के जो पार्ट हैं उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन या फिर रिसनर मेम्ब्रेन, जबकि नीचे का जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के पार्ट को नाम दे दिया गया बेसिलर मेम्ब्रेन। यहां पर क्या नाम दे दिया गया, ये जो पार्ट है निचला जो पार्ट है इसको बेस पर है इसलिए इसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये स्केला मीडिया है, स्केला वेस्टिबुलाई है और ये स्केला टेम्पेनाई है। इसमें पेरिलिम्फ, इसमें भी बाहर, ये बाहरी दोनों में पेरिलिम्फ, इसमें इंडोलिम्फ। यहां पर मीडिया में मैंने बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि हियरिंग से संबंधित है, मीडिया के भीतर पाया जाता है, वो है कौन सा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में आप देखेंगे कुछ हेयर सेल्स होती हैं और यहां पर होता है एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स जो हैं इनके जो हेयर सेल्स के जो यहां पर हेयर्स होते हैं या आप यूं कह लें कि यहां स्टीरियोसिलिया होती है वो इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को जब टच करती है, समझ रहे हैं, तो नॉर्मली ये टच नहीं करते, इनके बीच में एक गैप होता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन और ये जो हेयर सेल्स हैं इनके स्टीरियोसिलिया के बीच में क्या है, थोड़ा गैप होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये नीचे से दबाव पड़ा, मान लीजिए नीचे से ये उठ करके आते हैं, ये ऊपर ऊपर पहुंचे और हल्का सा इसको इस तरीके से बेंड बेंड होते हैं इस पर, समझ रहे हैं, जो ही इस पर बेंड होते हैं तुरंत टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जैसे ये जो ही गए और ऐसे बेंड होना शुरू हुए, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं हेयर सेल ऊपर की ओर गया, थोड़ा जूम रखिएगा, और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो ही थोड़ा सा ये ऊपर की ओर जाके टच करता है और हल्का सा बेंड होता है इसके जो स्टीरियोसिलिया, तुरंत ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सेंसिटाइज हो जाता है और इसके साथ जुड़ा हुआ है आगे एर्थ क्रैनियल नर्व जिसको जिसका यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर वो दिया हुआ है हेयर सेल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो आप देखेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ जो ही ये कॉन्टैक्ट में आता है तुरंत ये हेयर सेल्स सेंसिटाइज हो जाती हैं और इनसे जुड़ा हुआ है नर्व फाइबर, किसका, एट्थ क्रैनियल नर्व का, जिसको आप एट्थ क्रैनियल नर्व को क्या कहते हैं, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो यहां पर अभी हम कॉक्लिया के भीतर की बात कर रहे हैं, इसका नाम जो कहते हैं इसको कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं, इस टनल को जो कि मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के द्वारा जो यहां पर घिरा हुआ है इसको हम कहते हैं यहां पर स्केला मीडिया, जिसका नाम दिया गया है इस मिड वाले टनल को स्केला मीडिया, या फिर इसी को हम कॉक्लियर डक्ट भी कहते हैं। तो ये कॉक्लिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हियरिंग से संबंधित, और यहां पर हेयर सेल्स जब इसके टच में जाते हैं और थोड़ा सा बेंड होते हैं इनके हेयर्स या स्टीरियोसिलिया, तुरंत ये यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। वो किस में जनरेट हो रहा है, एट्स क्रेनियल नर्व में। एट्स क्रेनियल नर्व के दो डिवीजन होते हैं, कौन से, वेस्टिबुलर और कॉक्लियर। तो आप समझ सकते हैं वेस्टिबुलर के बारे में अभी हम बात करेंगे बैलेंसिंग में, कॉक्लियर जो डिवीजन है वहां से सिग्नल पहुंच जाएगा हियरिंग के लिए। एक पॉइंट याद रखिएगा, यहां पर मैं उसी चीज को अब यहां पर समझाना चाहता हूं। मान लीजिए इंफॉर्मेशन पहुंचा, ठीक है, इंफॉर्मेशन पहुंचा, साउंड की जो वाइब्रेशंस थी वो यहां तक आई, अब वो पेरिलिम्फ को प्रभावित करती हैं। यहां पर है एंडोलिम्फ, ये मैंने आपको बताया, यहां पेरिलिम्फ, यहां पर पेरिलिम्फ, और यहां पर जो आप देखेंगे ये क्यों दो बार इसकी वो हो गई, तो आप देखेंगे ना ये एक्चुअली ये गोल सी स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये पेरिलिम्फ है, नीचे भी पेरिलिम्फ है, और आप देखेंगे कि ये यहां से गुजरते हुए एक हेलिकोट्रीमा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे फिर ये मूव करके अपने आप ये गोल सा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहां से साउंड की जो वाइब्रेशन यहां पर पहुंचती है ओवल विंडो में, तो ओवल विंडो से क्या होता है, ओवल विंडो से जब उसकी एनर्जी यहां पर पहुंचती है तो पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस आते हैं। पेरिलिम्फ में क्या आता है, वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, पूरा का पूरा ये पेरिलिम्फ और फिर एंडोलिम्फ प्रभावित होता है, और जब एंडोलिम्फ प्रभावित होता है तो एंडोलिम्फ के बेस पर ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, बेसिलर मेम्ब्रेन जिसको मैंने बेसिलर मेम्ब्रेन कहा था, ऊपर के वाले को मैंने क्या कहा था, वेस्टिबुलर, या मैंने बोला था रिजनर मेम्ब्रेन, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये जब अगर कभी प्रभावित हुए, तो जैसे आप देखेंगे ना ये वाइब्रेशन आया ना, ये वाइब्रेशन ट्रेवल करते हुए आया, कई बार क्या होता है ऐसे भी पास कर सकता है, चूंकि ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का जो ये जो पार्ट है ये काफी डेलिकेट सा पार्ट होता है, तो कई बार यहां से बाईपास भी कर जाता है, कई बार होगा पूरा घूम करके आएगा। जब ये घूम करके आता है ये वाइब्रेशन, तो ये वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर की ओर उठती है, और जब ऊपर की ओर उठती है तो ये टच में जाती है
किसके, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के। और जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उससे सेंसिटाइज होता है तो यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से जब ये जो ही ये टच में जाती है तुरंत हेयर सेल्स सेंसिटाइज होती हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग होती है और इसको काफ़ी डिटेल में तो नहीं लेकिन यह कि एक बेसिक जानकारी जितना होना चाहिए उसकी उतना मैंने आपको देने की कोशिश किया है। यह हियरिंग की फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ईयर MBBS में आपको पढ़ना है। यहाँ से जो नर्व निकला है, ये जो नर्व निकला है जो 8th क्रेनियल नर्व है, ये आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे गुजरेगा इसको आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे MBBS में। अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये समझना है यहाँ से जाएगा और ब्रेन में जाकर के अपने सेंसिटिविटी को देगा। तो हुआ क्या, मैकेनिकल सिग्नल यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में बदल दिए जाते हैं। तो ये है हियरिंग की फिजियोलॉजी। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बैलेंसिंग की फिजियोलॉजी।